आज हम बना रहे हैं स्पंजी रसगुल्ले। इसके लिए हमने लिया है 1.5 लीटर दूध और इस दूध को बढ़िया एक उबाल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब इस दूध को हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम ये नींबू का रस डालेंगे। ये 2 नींबू का रस है और अगर इससे दूध नहीं फटता है ढंग से तो फिर 1 नींबू हमारे पास और एक्स्ट्रा और भी है, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें नवजीत बन्ना डाल रहे हैं नींबू का रस दूध का छेना बनाने के लिए, ताकि जिससे दूध फट जाए। घात हाँ, धीरे धीरे डालेंगे इसमें और हिलाते रहेंगे, धीरे धीरे डालेंगे और हिलाते रहेंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये दूध फट चुका है और इसका ये देखिए छेना तैयार हो रहा है। अब आप देखिए छेना बिल्कुल एकदम दूध फटकर पूरा तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक साफ़ सूती कपड़े में लेंगे और फिर उसमें से इसका पूरा पानी निचोड़ के पानी को अलग कर देंगे। एक अब हम सूती कपड़े के अंदर ये सारा छेना निकाल देंगे और ताकि इसका पानी नीचे पूरा निकल जाए। हाँ, अब डाल रहे हैं इसके अंदर। अब इसका पूरा सूती कपड़े से को पूरा घुमाकर इसका पूरा पानी निकाल देंगे बाहर, ताकि इसको एकदम छेने को पूरा ड्राई बनाना है। अब देख रहे हैं कि आप लगभग इसका पानी निकल चुका है। अब हम इसमें एक बार ठंडा और साफ पानी डालेंगे ताकि इसके अंदर जो नींबू का स्वाद है और नींबू का जो रस कुछ रहा हुआ है तो उसकी महक वगैरह वो चली जाए, जिससे कि उसका नींबू का स्वाद रसगुल्लों के अंदर नहीं आए। इसके लिए हम इसमें अंदर ये ठंडा पानी डालेंगे और इसको बढ़िया तरीके से धोकर वापस उस पानी को निकाल देंगे। जो फटा हुआ दूध है, जो छेना है, उसको हाथों से बढ़िया तरीके से मेल्ट कर देंगे कम से कम 5 मिनट, ताकि ये एकदम से बढ़िया मेल्ट हो जाए। और अब इसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच मैदा। मैदा डालने से ये थोड़ा और भी अच्छा हो जाता है। बस बस बस, अब आप देखिए अच्छे से अगर मेल्ट नहीं होता है फिर क्या, रसगुल्लों के टूटने का डर रहता है, वो चाशनी में डालने पर टूट जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से मेल्ट किया जाएगा। इस तरह अच्छे से मेल्ट करना, बिल्कुल थोड़ा सा ये मेहनत का काम है मेल्ट करना, क्योंकि इसमें थोड़ा 5-10 मिनट आपको लगाने ही पड़ेंगे। 5 मिनट तो कम से कम आपको अच्छे से मेल्ट करना है, ताकि रसगुल्लों का आकार, उनकी आकृति और उनका जो स्पंज की जो हमें चाह है वो बनी रहे। बहुत बढ़िया तरीके से आप मेल्ट करिए। रेडी। अब देखिए ये तैयार हो चुका है छेना। अब इसमें इसको छोटे छोटे रसगुल्ले बनाने, और ये ध्यान रखना रसगुल्लों का साइज छोटा रखना है, क्योंकि फूलने के बाद रसगुल्ले अपने आकार से डबल से भी बड़े हो जाएंगे, इसलिए छोटे आकार के रसगुल्ले, बिल्कुल छोटे आकार के रसगुल्ले बनाना है, इनको बिल्कुल गोल तरीके से बनाने हैं। देखिए इस तरह इनकी साइज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, छोटी साइज, क्योंकि ये जब चाशनी में डाले जाएंगे तो बनने के बाद इनकी साइज इनसे डबल हो जाएगी, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। देखिए किस तरह गोल गोल बन रहे हैं, बड़े ही प्यारे दिख रहे हैं अभी, फिर देखते हैं उनका स्वाद कैसा होता है बनने के बाद, ये कैसे होते हैं। और ये हमने हमारे छेने को बढ़िया गोल गोल आकार देकर रसगुल्लों का रूप दे दिया है। अब हम इसको चाशनी के अंदर डाल के रसगुल्लों को तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। अब हम बना रहे हैं चाशनी। इसके अंदर हमने लगभग 1.5 पाव शक्कर डाल दी है और 1.25 लीटर पानी डाल दिया है। अब इसको हम गर्म करेंगे और लगभग 1 या 2 तंतु की चाशनी बनानी है। त्री अब ये चाशनी तैयार है और इस गर्म गर्म चाशनी के अंदर ही हम ये रसगुल्ले जो बनाए हुए उनको डालेंगे। और देखिए रसगुल्लों को डाला जा रहा है अंदर, और डालने के बाद इनको 5 मिनट तक पकाना है, उसके बाद वापस हम इनको पलटेंगे। अब देखिए 5 मिनट हो गए हैं और होने के बाद आप देख रहे हैं रसगुल्ले भी फूल कर काफ़ी अपने लगभग दुगनी साइज़ के आसपास आ गए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा इनको पलट देंगे ताकि ऊपर नीचे दोनों तरफ से रसगुल्लों को बराबर आँच मिले और एकदम गोल हो जाए। और अब लगभग 5 मिनट के लिए हम इनको और पकाएंगे, और पकाने के बाद बिल्कुल रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको ठंडा करके फ्रिज में रख के खाएंगे। अब देखिए रसगुल्ले बिल्कुल हो गए हैं तैयार। अब हम इनको थोड़ी देर फ्रीज में रखेंगे,
लगभग 2-3 घंटे, और उसके बाद शाम को जायके के साथ इनको खाया जाएगा।